लोकसभा के चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में निरहुआ ने भाई धो दिया अखिलेश यादव को। जी हां, अखिलेश यादव के हर एक भाषण में जहां निरहुआ का जिक्र हो रहा है, निरहुआ उनके ट्वीट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। जी हां, निरहुआ को अगर वो लचनिया बोल देते हैं तो भाई निरहुआ इसे एक्सेप्ट भी करते हैं और बदले में उन्हें ऐसा करारा जवाब देते हैं कि बोलती बंद हो जाती है अखिलेश यादव की। और अब अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी निरहुआ पर जोरदार प्रहार किया है। भाई ये निरहुआ का आखिरी भाषण जरूर था, लेकिन मुलायम सिंह से लेकर डिंपल यादव तक सभी को निरहुआ ने बखूबी जवाब दिया है। जिसने निरहुआ पर वार किया, पलट में निरहुआ ने भी पलटवार करने से पीछे नहीं हटे हैं। लग ही नहीं रहा है निरहुआ नेता नहीं है। जी हाँ, निरहुआ ने तो अभिनेता का चोला छोड़ नेता का जो चोला पहना है वो कमाल का है। अब निरहुआ ने इतनी ज़्यादा तैयारी कर ली है कि अगर कोई परफेक्ट भाषण देने वाला नेता भी उनके सामने खड़ा हो जाए तो वो भी पानी भरता नज़र आएगा। क्योंकि निरहुआ के भाषणों की आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिए और भाषणों में आप ये देख सकते हैं अपने विरोध का जवाब देना क्या होता है, वो कोई निरहुआ से सीखे। तकरीबन एक महीने की कड़ी मेहनत के बाद जब जनता चुनेगी अपना प्रतिनिधि, वो अखिलेश यादव होंगे या फिर होंगे दिनेश लाल यादव निरहुआ, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये लड़ाई एक इतिहास बन जाएगी कि जहाँ पर एक अभिनेता ने नेता को इतनी बड़ी टक्कर दी। वैसे देखा जाए तो चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में निरहुआ का भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी कलाकारों ने जमकर साथ दिया। हाँ, ये बात और है कि खेसारी और पवन उनकी सभा में नहीं पहुँचे, लेकिन आखिरी वक्त तक भोजपुरिया जगत के सभी छोटे मोटे सितारे उनका हौसला अफजाई करने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए गांव-गांव दौड़े। लेकिन अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब उनके आखिरी जनसभा रैली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही जानते हैं कि जिस जगह से निरहुआ को लड़ाया जा रहा है वो कितनी अहम सीट है। अगर निरहुआ वहां से जीतते हैं तो ये किसी कीर्तिमान से कम नहीं होगा। लेकिन जिस तरह का रवैया निरहुआ ने दिखाया है, जिस तरह से उन्होंने अपने ज़मीनी तौर पर काम किया है, जिस तरह से वो लोगों से मिले हैं, उसे देखकर ये लग रहा है कि अगर ये जंग निरहुआ जीत जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।